हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, यह है शेड गार्ड। जब आप अपने घर पर पीयू पॉलिश करा रहे होते हैं या दीवार पर पेंट करा रहे होते हैं, तो आप इस तरह के शेड गार्ड से ही कलर पसंद करते हैं और शॉपकीपर से जाकर कलर बनवा लेते हैं। लेकिन जैसा कलर आपको इस शेड गार्ड में नज़र आता है, वैसा कलर आपको जब आप एक्चुअल में कलर बनवाते हैं, चाहे वो पीयू में हो या वॉल पेंट में हो, किसी में भी हो, तो आपको सेम वैसा कलर नहीं मिलता। तो फिर हम क्या करें? तो बहुत आसान है। अगर आपको सैंपल फ्री में सैंपल प्रोवाइड करा सकता है शॉपकीपर, तो आप फ्री वाले सैंपल लें। कंपनीज़ देती हैं फ्री में सैंपल, लेकिन बहुत सारे अगर कलर आपके पास हैं तो डेफिनेटली नहीं देगी, फिर आपको उसके लिए पे करना होगा। यहाँ पर हमने बहुत सारे कलर लगाने थे, मतलब 7-8 कलर थे जो हमें कंपनी फ्री में प्रोवाइड नहीं करती है, इतने सारे कलर। तो अगर कलर मैच ना करे या इसमें डिफरेंट कलर हो, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कलर एक्चुअल बिल्कुल सेम चाहिए, तो आप कलर सैंपल कलेक्ट कीजिए, कलर के सैंपल लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने बहुत सारे कलर लिए थे, यानी कि 7-8 कलर हमने लिए, और कलर लेकर हमने वुड के ऊपर डाल के देखे, फिर एक्चुअल कलर देखा कि एक्चुअल कलर कैसा आ रहा है, फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये वाला कलर लेंगे। तो जो हमने एक्चुअल कलर डाला था और शेड गार्ड में जो कलर था, उसमें काफ़ी अंतर आता है। अगर आपको बिल्कुल सेम कलर चाहिए, तो डेफिनेटली आपको सैंपल लगा के देखना ही पड़ेगा, जैसे कि हमने वुड के ऊपर लगाया है। अगर कंपनी आपको फ्री में सैंपल प्रोवाइड करा देती है, तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है। आप उसको सैंपल को मंगवाइए और लकड़ी के ऊपर लगा के देख लीजिए कि किस तरह का आपको वो लगता है, आपको एक्चुअल पता लग जाएगा। लेकिन अगर कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कराती है इतने सारे कलर या किसी भी रीज़न से, तो फिर आपको 1 या 1.5 लीटर की पैकिंग खरीदनी पड़ेगी। पीयू के सैंपल अगर आपको चाहिएंगे, तो पीयू में 1 लीटर की पैकिंग भी आती है, 1.5 लीटर की भी आती है। मैट अगर आप लेंगे तो 1.5 लीटर आएगा, और ग्लॉस आप लेंगे तो 1 लीटर का आएगा मिनिमम। ये तो आपको ख़रीदना ही है। लेकिन अगर रॉयल है, तो रॉयल 200 ग्राम में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन पीयू नहीं मिलता। इसलिए आपको अगर पीयू चाहिए, जैसे हम यहाँ पर पीयू लाए हैं, पीयू में हमने 7 से 8 कलर लिए हैं यहाँ पर, और सारे हमने परचेज़ किए हैं, 1.5 लीटर में लिए हैं, क्योंकि हमारा मैट है। सही कलर कैसा आता है, उसकी आउटपुट कैसी आती है, ये जानने के लिए हमने इसके ऊपर स्प्रे किया अलग अलग जगह पर अलग अलग पेंट का। उससे हमें आइडिया हुआ कि हमें कौन सा कलर चूज़ करना चाहिए। अगर तो आप कलर के लिए बहुत सीरियस नहीं है, तो आप शेड गार्ड में देखिए, कलर मंगवा लीजिए और उसको स्प्रे कर दीजिए, आपका 19-20 का फ़र्क आएगा, वही आ जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सीरियस है कलर को लेकर, या आपकी आपकी थीम को लेकर बहुत सीरियस हैं, तो आपको डेफिनेटली सैंपल ही लगाना चाहिए, जैसे हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर। जब आप अपना घर बना रहे होते हैं, तो वो घर आपका आपका ड्रीम होम होता है, यानी कि वो जो घर है, उसको आप इतने दिल से इतने प्यार से बनाते हैं, अपने घर के साथ बड़ा हमारा अटैचमेंट होता है। तो इसलिए जब भी आप अपना घर बनाएं, तो आप और आप कलर के लिए सीरियस हैं, तो कलर के सैंपल आप ज़रूर लगाएं।